ये डाल दिया भैया ने पनीर, शानदार। डोमिनोज से ज्यादा अच्छा है। डोमिनोज अच्छा है? अगर डोमिनोज वाले देख रहे होंगे तो क्या बोलोगे? ये यही था ना? अच्छा पिज्जा भी है। हाँ कितने हुए टोटल? 170 यार। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, भैया ने मेरे को बताया कि भैया की जो दुकान पे है ना वो परदेसी पिज्जा बताया जी, परदेसी परदेसी पिज्जा है। आप खा के देखते हैं भाई, परदेसी है भी नहीं है। कई लोग होते हैं ना कहते हैं स्वदेशी होता है और देसी होता है, तो वही वाली बात हो गई, देसी और विदेशी वाली बात हो गई। तो भैया की दुकान में परदेसी खाते हैं जिस तरीके से भैया ने बताया। सबसे पहले स्टार्टिंग करो भैया, क्या डाल के खिलाओगे? ये गोल्डन लाइट टॉपिंग। ठीक है, थोड़ा सा मेरा स्पाइसी थोड़ा बढ़िया बना के रखना, थोड़ा सा स्पाइसी मुझे ज्यादा पसंद है, थोड़ा सा बढ़िया स्पाइसी लगाओ। स्कूल स्पाइसी रहेगा, फुल मीडियम करके चलना पाजी, जो क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पाइसी खा के चलते हैं। ये ऑनियन आ गई। ये आपने ऑनियन डाल दिया। ये क्या डाला पाजी आपने? रेड चिली। ठीक है, ये आ गई आपकी सॉस। ठीक है, अब ये आपने किसकी बाजी करोगे? इसको बोलते हैं ना पाजी मोजरेला चीज। मोजरेला चीज। ठीक है, ये भैया भर के डालो, इसमें कंजूसी मत करना, क्योंकि आज आपकी दुकान पे आए तो बढ़िया से मैं खिलाओ। बढ़िया रहेगा भैया। इससे लोगों का फैट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता भैया? थोड़ा बहुत तो बढ़ जाता है। चलो ठीक है, मतलब पतला आदमी आपकी दुकान पर आके खाए तो 3-4 महीने में मोटा हो जाएगा? हो जाएगा। पक्का ना? ठीक है, हो ही जाएगा, मतलब सेहत पे अपना ध्यान रखे। अच्छा, कोई भी दुकान पे बंदा अगर पतला आदमी आता है तो मतलब चीज अगर डाल के खाए तो बंदा मोटा हो जाएगा? नहीं, मतलब फायदेमंद की चीज खाओ, डेली भी नहीं खाओ ये। ठीक है, ये क्या डाल दिया आपने? ये स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न। ठीक है, ठीक है, ये क्या डाला भैया? मशरूम आ गए। मशरूम। ये क्या है भाजी? जैलपीनो। ठीक है, अब ये क्या है भैया? रेड चिली। ठीक है, ये स्पाइसी करने के लिए? स्पाइसी हल्का नॉर्मल है। अच्छा, और एक बात बताओ भाई, कोई आपके दुकान पे थोड़ा ओवर एज बंदा आके खाएगा तो वो खा सकता है सारी चीजें? इतनी सारी चीजें आप डाल रहे हो स्पाइसी, थोड़ा वो तो मेरे लिए आपने कर दिया। कोई हमारे बड़ा बुजुर्ग आना चाहता है? है कस्टमर हमारे पास, वो खा लेते सारी। खा लेते? अच्छा, कोई इशू तो नहीं है खाने से? कल को ऐसा ना हो ना तबीयत उसकी खराब हो जाए? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आ गया भैया ब्लैक ऑलिव। ठीक है, बढ़िया से डालो भैया। ये भैया ने हमारे बढ़िया से तैयार कर दिया। अब ये किस में जाएगा भैया? ये ओवन में जाने वाले हैं अभी, पनीर डाल के। ठीक है, ये डाल दिया भैया ने प्यार से पनीर का टुकड़ा। ये डाल दिया भैया ने पनीर, शानदार। ये कैप्सिकम टमाटो। ठीक है, ये दोबारा से आपने डाल दिया। आप कह रहे थे भैया थोड़ी देर पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी कि ओवन जब तैयार हो जाता है मशीन, तो उसके बाद 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। हाँ ठीक है, तो मशीन को गर्म होने में कितना टाइम लग जाता है भैया? 10 मिनट लग जाता है। ठीक है, ये आपकी लिक्विड चीज आ गई। ठीक है, अब ये गया भैया ओवन में। अब ये भैया कह रहे हैं हमारे 5 या 7 मिनट में बनके तैयार। भैया मेरा चैनल का नाम है हंग्री मी। भैया सबसे पहले एक बार नाम बताओ अपना, फिर से मैं आपका नाम भूल गया एक तो। साहेब। साहेब, ठीक है, इन भैया ने हमारा पिज्जा बना के तैयार करके दिया और भैया कह रहे हैं कि ये भैया जो है ना पिज्जा, ये सबसे ज्यादा डिमांडेड है दोस्त। यहाँ मालवीय नगर की मेन मार्केट में अगर आप मेन चीज यहाँ पिज्जा खाने के लिए शौकीन हो ना, तो भैया की दुकान पर ये वाला पिज्जा डिमांडेड है। और वेज में पिज्जा ये सबसे ज्यादा भैया यहाँ बिकता है, और भैया ने अपने हाथ से मेरे को बना के दिया दोस्तों। मैं आपको कह रहा हूँ जितनी चीजें मेरे को सारी इन्होंने डाल के दी है, ये सारी चीजें आप लोगों को भी देंगे प्यार से। एक खा लो फिर बताओ इसी में। बताओ। हाँ हाँ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट के लिए बनाए, परदेसी स्पेशल है अपना, परदेसी स्पेशल। सबसे पहले अपना नाम बताओ। अच्छा, क्रिस वो वाला, क्रिस जो क्रिस 3 था पहले जमाने में। अच्छा, आप रियल वाले क्रिस हो ना? ठीक है, कैसा लग रहा है पिज्जा खा के बताओ? बढ़िया लग रहा है, क्रंची है और सॉफ्ट नहीं है? बहुत सही है। पक्का ना? डोमिनोज से ज्यादा अच्छा।
डोमिनेंस अच्छा है। अगर डोमिनेंस वाले देख रहे होंगे तो क्या बोलोगे? नहीं, आपको पॉपुलर कर देंगे क्योंकि आप क्रिस 3 में भी आने वाले हो ना इस तरीके से। और दोस्त आपका क्या नाम है, चलो आप बताओ। एक वेजी रिलेड, एक गोल्डन सचिन। ठीक है, टेस्ट करके बताओ किस तरीके का हो रहा है। बहुत अच्छा, जबरदस्ती की तारीफ तो नहीं कर रहे हो। इससे पहले पिज्जा आपने कहाँ खाया था आपने? कैसा है? अगर डोमिनेंस की बात करें क्या, और इन भैया की अगर बात करेंगे तो ज्यादा किसका अच्छा पिज्जा? अच्छा लगा ना, मेरे को भी काफी अच्छा लगा। मतलब ठीक है यार, कम प्राइस में इस तरीके का आप लोगों को पिज्जा मिल रहा है खाने को, और क्या चाहिए। कई बार घर वाले हाँ कर देते हैं, कई बार घर वाले मना भी कर देते हैं, भैया इतना पैसा नहीं देखो। अब ये तो अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है तो खाने बनता भी है। तो आप लोग स्पेशली पिज्जा खाने आ रखे हो? ठीक है, कोई वीडियो हमारी देख रहा है उनको क्या बोलना चाहोगे? लोकेशन की बात करें तो भैया एक बार लोकेशन बता दो क्या है। तो मालवीय नगर की मेन मार्केट में, ये देख लो, BSES का टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, BSES का है। इसके ठीक भैया अपोजिट में दुकान लगाते हैं। तो खाते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको दोस्तों एक नए ब्लॉग में।